नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना, ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। एंड मेक श्योर दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। और जिनको नहीं पता है, हर संडे प्राइवेट क्लास होती है, तो अगर आपको प्राइवेट क्लास के लिंक्स चाहिए, जो भी आप देख रहे हो उसको शेयर करिए फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर, टेलीग्राम के माध्यम से, देन डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो हमारे इस पेज के माध्यम से स्क्रीनशॉट मैसेज अटैक करके। अगर अभी काम करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको अपनी प्राइवेट क्लास के लिंक दूंगा जो हर संडे होती है, राइट। तो दोस्तों, लाए हूं आपके लिए 38 पैसे का एकदम न्यू पेनी स्टॉक, ध्यान से सुनना, ठीक है भाई। अगर स्टॉक का नाम जानना है, मिल जाएगा 7-8 मिनट का, वो स्टॉक का नाम देख लो, ठीक है, एंजॉय करो, जियो अपनी जिंदगी, ठीक है। लेकिन जो लोग समझना चाहते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट, पेनी स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहे, तो भाई इस कॉन्सेप्ट को, इस रूल को पक्का फॉलो करना, जो शायद तुम्हें कोई नहीं बताएगा और इतने अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत सारे पेनी स्टॉक पास में रिकमेंड किए जिसने पैसा मल्टीप्लाई किया है। आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, वैसे मैंने कभी बताया नहीं वो स्टॉक, लेकिन फ्यूचर में हमारे कुछ स्टॉक ऐसे बनेंगे, इतना मैं आपको बोल देना चाहता हूँ। दिखाता हूँ एक स्टॉक पहले आपको, ये स्टॉक है 2290 रुपये का, लेकिन ऑलमोस्ट देखो 2009 के आसपास 3 रुपये का शेयर था, और 3 रुपये छोड़ो, ये स्टॉक 1 रुपये के आसपास भी ट्रेड करता था 2005 में, ठीक है। तो 22 साल के बाद स्टॉक का प्राइस 2200 रुपये ट्रेड कर रहा है, तो आप बिलीव कर सकते हो ना भाई, चीजें बदलती है, टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे, पेशेंस वेट करोगे, ठीक है, ये तभी आप कर पाओगे जब आप रूल्स को फॉलो करोगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा रिटर्न चाहिए अगले पोर्टफोलियो में, आपको अपने पोर्टफोलियो में अगले 10-15 सालों में, तो भाई डेफिनेटली अंत तक देखना, रिटर्न बनती है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हमारी कुछ स्टॉक्स की रिटर्न हमने कमाई है बहुत अच्छी, लेकिन उसके ऊपर बात अभी नहीं करूंगा, पहले हम बात करते आज के स्टॉक के बारे में, ठीक है। वो आपको 8-9 मिनट के स्टॉक का नाम मिल जाएगा, देख लो, जिसको देखना, जिसको स्किप करना स्किप कर सकता है, जिसको रूल को फॉलो करना, रूल को देखो पहले, रूल्स क्या है, ठीक है। तो रूल्स ये है। तो दोस्तों, दोबारा से आज बात करने वाला हूं मैं इस 90 पैसे के शेयर के बारे में। कंपनी में कुछ खास नहीं है, डेट रिड्यूस हुआ है, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे मिला है, वो ये है, कंपनी का जो बिजनेस है ना, वो अभी का नहीं है, वो बहुत, एक तो पहले बात सुन लो, स्पिरिचुअल है, ठीक है, मेंटल हेल्थ के बारे में है, ठीक है, और योगा से रिलेटेड है जो कंपनी का बिजनेस है। और मुझे लगता है भाई, आने वाले वक्त में डेफिनेटली इसकी ना डिमांड बढ़ सकती है। योगा, जैसे आप सभी को पता है, ठीक है, एक बूमिंग इंडस्ट्री है, राइट, मतलब बहुत जॉब्स ये क्रिएट कर सकता है, और फ्यूचर में योगा एक ऐसा बिजनेस बन सकता है जो आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के दे सकता है। तो मैं यही बोलूँगा, 94 पैसे का ये पेनी स्टॉक आने वाले अगले 20 सालों में, जो लोग हम योगा के बारे में भूल चुके थे, मेंटल हेल्थ के बारे में दूरी, मतलब कोई बात नहीं करता, ठीक है, तो मुझे लगता है फ्यूचर इस कंपनी का है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो स्टॉक को नजर में रख सकते हो। पहले मुझे नहीं पता था कि कंपनी का बिजनेस ये है, पता होता तो मैं खुद पैसा डालता, ये सब 50 पैसे ट्रेड कर रहा था, लेकिन चलो अभी भी 94 पैसे ट्रेड कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नजरों में रखो, स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही है, आप स्टॉक को आराम से बाय सेल कर सकते हो। रोजाना 98-99 पैसे की डिलीवरी स्टॉक में उठाई जाती है, चाहो तो नजरों में रख सकते हो। वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट पक्का करना, अगर आप जानना चाहते हो कंप्लीट डिटेल्स। तो आप लोग देख सकते हो, जिस पेनी स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ 99 पैसे की, वो टी स्पिरिचुअल वर्ल्ड लिमिटेड है। स्टॉक का नाम से आपको पता चला होगा कंपनी का बिजनेस क्या है। ये कंपनी की देखो वेबसाइट है, ठीक है, चाहो तो पढ़ सकते हो, यहाँ पर बहुत क्लियर वर्डों में लिखा है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है। तो मतलब यार, ये कंबाइंड यूज ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल सब कुछ प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि यार, ऐसी कंपनीज बहुत कम है अभी करेंटली स्टॉक मार्केट में, ठीक है, जो मेंटल इलनेस के बारे में बात करती है, ठीक है। तो नजरों में रखो, मैं तो बोलूँगा अच्छा है भाई, फ्यूचर में इसका डिमांड बढ़ सकता है आने वाले 4 या 5 सालों में, अभी नहीं है लेकिन 4-5 सालों में पक्का होगा, ठीक है। लेकिन अगले कुछ सालों से देखो, 14 से लेके 22 तक अभी उसी प्राइस रेट कर रहा है, तो यही स्टॉक को ग्रैब कर लो, क्या पता ये अगला बड़ा स्टॉक बन जाए
जो आपका पैसा मल्टीप्लाई कर दे। 99 पैसे का स्टॉक है। अब बात करते हैं देखो कंपनी के बारे में थोड़ा सा। देखो 95 पैसे बुक वैल्यू वहीं ट्रेड कर रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सपोर्ट एरिया के आसपास आ चुका है, ये सपोर्ट एरिया है स्टॉक का, ठीक है। निचले की तरफ डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी लो है। प्रॉफिट देखो अच्छे नहीं होंगे तो प्रॉफिट से जज मत करना, पहले बोल रहा हूँ। पैनी स्टॉक को प्रॉफिट से बाय नहीं किया जाता, रूल से बाय किया जाता है। मैंने बताया पैनी स्टॉक इज इक्वल टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के कुछ रूल्स है जो मैं लास्ट में छोटी क्लिप चलाऊंगा, उसको देख लेना कि हाउ टू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक। आपके पूरे के पूरे जो भ्रम है टूट जाएंगे कि कैसे पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है भाई। और बाकी यहाँ देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग मोर देन 16% हमें देखने को मिलती है, और पब्लिक की होल्डिंग 83% के आसपास है, जिसमें आप देखो कुछ बड़े इंडिविजुअल का पैसा भी लगा हुआ है। तो मैं यही बोलूंगा नजरों में रखो, अभी तो प्रमोटर स्टॉक को बाय नहीं करें, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली बाय करेंगे जब प्रॉफिट आना स्टार्ट होंगे कंपनी के, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा नजरों में रखो टी स्पिरिचुअल। बहुत पहले स्टॉक का प्राइस 35-40 पैसे के आसपास था, मुझे देखा था मैंने, लेकिन मुझे लगा प्राइस निकल गया, हाथ से छोड़ो यार क्या वीडियो बनाना। लेकिन भाई अब समझ आता है ना कि भाई वीडियोस बनाया करो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब है पीछे होती है कुछ, ठीक है। प्राइस भी मैटर करता है, बिजनेस भी मैटर करता है। तो देखो 100% स्टॉक उठाई गई, वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना, अगर आप करना चाहते हैं खुद की स्टडी पक्का ऐड कर लेना। मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में। अगले बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। अब ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है वीडियो का, ठीक है। हाउ टू इन्वेस्ट इन 1 रुपी स्टॉक, ठीक है। 1 रुपी स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना है आज आपको बता रहा हूँ, बहुत पहले ही बताया है और आज ही बता रहा हूँ। ये प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का खेल है पेनी स्टॉक खासकर। ध्यान से सुनना, पेनी स्टॉक इज इक्वल टू फॉर मी इज ट्रेडिंग, ठीक है। पेनी स्टॉक मेरे ट्रेडिंग है। अब आप लोग पूछोगे सर ट्रेडिंग में आप कितना लॉस लेते हो, ठीक है। बहुत से लोग ट्रेडिंग में 100 रुपये का लॉस लेना पसंद करते हैं, ट्रेडिंग में मतलब इंटरडे ट्रेडिंग बोल रहा हूँ मैं। 200 रुपये किसी के लिए 300 रुपये होगा, किसी के लिए 1000 होगगा, किसी के लिए 5000 होगगा, ठीक है, किसी के लिए 10000 होगगा, ठीक है। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, इसे क्रैक कर सकते हो अगर गलत बोल रहा हूँ। तो ये ट्रेडिंग के कुछ रूल्स है जो लोग लॉस लेना पसंद करते हैं, ठीक है। तो जितना आप ट्रेडिंग में लॉस ले रहे हो इंट्राडे में ना, उसी को आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है बिलो 1 रुपी में। अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में इतना पैसा कमाओगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, राइट। अब आप बोलोगे सर ये क्यों आप बता रहे हो, भाई ट्रेडिंग में जैसे आपको रूल्स फॉलो करना पड़ता है, इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ता है, ऐसी पेनी स्टॉक है। लेकिन गलती हम क्या करते हैं, हम पेनी स्टॉक को समझते हैं लॉटरी का टिकट, जो नहीं है बिल्कुल भी। आपको वहाँ ट्रेडिंग की तरह दिमाग लगाना है, और अगर आपने दिमाग लगा लिया तो भाई बहुत पैसा है पेनी स्टॉक में, ठीक है। तो ये रूल है, इतना आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब आता है क्वेश्चन, बहुत लोग बोलेंगे सर हम तो ट्रेडिंग जानते नहीं है, हम ट्रेडिंग नहीं करते। तो उनके लिए एक चीज बोल दूं, जो लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं वो लोग जॉब तो करते हैं, बिजनेस तो करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हो, ठीक है। अगर आप जॉब या बिजनेस करते हो, ठीक है, तो आपकी कुछ मंथली इनकम होगी। अगर आप 10000 रुपये कमाते हो तो उसका सिर्फ आपको 2% हिस्सा इन्वेस्ट करना है इन पेनी स्टॉक, उसका 2% हिस्सा इन्वेस्ट करना है पेनी स्टॉक में, ठीक है। और इसको अगले 5 साल तक आपको रिपीटेशन मोड में करना है, और हर महीने करना है, ठीक है। हर महीने एक सेपरेट अमाउंट पेनी स्टॉक के लिए छोड़ दो, और जब भी आपको कोई अच्छा पेनी स्टॉक दिखे पकड़ लो, चुपचाप पकड़ लो, ठीक है, समझ आ गया। अब बहुत लोग बोलेंगे सर हम तो स्टूडेंट है क्या करें। जो लोग स्टूडेंट है वो सिर्फ अभी क्या करे, देखे, वो सिर्फ ऑब्जर्व करे। उनके पास भगवान ने 2 आंखें दी है नहीं दी है तो वो तब भी ऑब्जर्व करे, ठीक है, ऑब्जर्व करे। ऑब्जर्व का मतलब देखे जो प्राइस एक्शन उसमें बना, जो पैटर्न उसमें बना, और मैंने उस स्टॉक क्यों सिलेक्ट किया, जैसे मैं आपको बताता हूँ वीडियोस में, तो उसको सीखो। सीखने का तो पैसा नहीं लगता ना भाई, सीखो फिर जो स्टूडेंट है, ठीक है। अब आता है रियल गेम, मान के चलो आपने पैसा भी डाल दिया और आपका पैसा मल्टीप्लाई भी होना स्टार्ट हो गया। अब आता है आपको कितने रुपए का टारगेट विचार करना है, प्रॉफिट रिवर्ड रेशियो, मतलब प्रॉफिट कितना रखना है ये बताओ। तो प्रॉफिट के लिए मैंने आपको बता रखा है, जैसे ही आपको 100% रिटर्न आए ऑन योर कैपिटल, जो भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, विदड्रॉ द कैपिटल, ठीक है, विदड्रॉ कर लो उस कैपिटल को, और प्रॉफिट को रहने दो उस बड़े टारगेट, उस बड़े गोल के लिए जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था उस समय। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बड़े टारगेट देता हूँ ना, तो उसी टारगेट के लिए आपको इंतजार करना है, समझ आ गया। और बस इस गेम को आपको फिर रिपीटेशन करना, जिसे हम ट्रेडिंग में साइकिल ट्रेडिंग में करते जाते हैं, समझ आ गया। तो ये चीज आपको फॉलो करना है, ये रूल्स को फॉलो करना है, और ये रूल्स को आपको हर पेनी स्टॉक में फॉलो करना है, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं हमारे उस स्टॉक की तरफ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ।
और रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 जो मैंने आपको बताया उसको भाई बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है। अगले 2 से 3 सालों तक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। जो 2% का रूल है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो डाउन द लाइन जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप अगर जिम में जाते हो तो अगर आपने स्टार्ट की होगी जिम बारबेल मारना, ठीक है, डंबल बारबेल जो भी होता है डंबल, ठीक है, तो आपने 2 किलो 5 किलो का डंबल उठाया होगा शुरू में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 10 किलो का उठाया होगा 20 किलो का उठाया होगा। अगर आपने उठाया होगा तो अगले दिन तो भैया आप शायद जिम छोड़ो आप बिस्तर में लेटे होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे लाइफ का कॉन्सेप्ट है वैसे स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट है कि आपको धीरे धीरे करके एक एक स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़नी है। एक से चौथी में छलांग नहीं मारनी है, छठी में छलांग मारोगे तो तुम्हारे टूट जाएंगे, समझ जाओ क्या कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए रूल्स को फॉलो करना, ठीक है।